तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप लोग सब देख रहे हैं डर्सन म्यूजिकल बैंड। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है ये कीबोर्ड का ऊपर है, एक्सप्रेस 10 का ऊपर या एक्सप्रेस 30 का ऊपर आप मान सकते हैं। लेकिन इसमें इस वीडियो में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जो उसका बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि पेन ड्राइव, अगर पेन ड्राइव कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा पेन ड्राइव यूज करना चाहिए और कीबोर्ड के लिए कौन सा पेन ड्राइव ठीक है या ठीक नहीं है, और बहुत सारा जो मतलब मेजर प्रॉब्लम होता है कीबोर्ड में, मतलब जो पेन ड्राइव से आप टोन को इंस्टॉल करते हैं तो ये टोन खराब हो जाता है, तो ये किस लिए होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पेन ड्राइव है, ये देख सकते हैं, ये आप देखिए मेरे पास ये एक पेन ड्राइव, दो पेन ड्राइव, तीन पेन ड्राइव, ये चार पेन ड्राइव, और उसके साथ ये जो है इसी से मतलब मेमोरी से भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन सा अच्छा है, कितना जीबी आपको लेना है, तो इसका ऊपर वीडियो में इसको बहुत शॉर्टली आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद उसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी डन दोस्तों, तो उसका बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देखिए वीडियो को। तो दोस्तों मेरा एक्सपेरिमेंट में ये एक चीज बहुत ही आपको अभी भी क्लियर हो जाएगा और मेरे को भी तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि कौन सा पेन ड्राइव अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कीबोर्ड है ये 32 एक्सपेंडेबल कीबोर्ड है, ठीक है ना, ये 32 जीबी का जो मतलब ये अच्छे से हो जाएगा। तो अभी क्या है, देखिए मेरे पास ये जो पेन ड्राइव है शायद 4 जीबी का है, ये पेन ड्राइव ये भी 4 जीबी का है, ये जो पेन ड्राइव ये 8 जीबी का है और ये 16 जीबी का है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता था, 32 जीबी का मेमोरी कार्ड लगा देता। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना ये एक्सपीएस 10 के लिए या कोई भी कीबोर्ड के लिए जितना ज्यादा मतलब जीबी होगा इतना ज्यादा स्लो हो जाएगा आपका कीबोर्ड, ये 100% गारंटी है, आप खुद यूज करके देख लीजिए। बहुत सारा लोगों का तो ऐसा भी होता है कि जो ज्यादा वाला जो साइज का जो पेन ड्राइव होता है वो जब आप कीबोर्ड में यूज करेंगे तभी काम ही नहीं करता है। सच में आप, मैं बहुत सारा लोगों का ये जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी करके दिया, लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है, ये जो 4 जीबी वाला जो होता है ना दोस्तों, इसमें इतना फास्ट चलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत फास्ट चलता है। और 2 जीबी मेरे पास अभी नहीं है लेकिन पहले था, 2 जीबी होने से तो बहुत ही फास्ट चलेगा। मतलब आपको एक चीज क्लियर है कि जितना कम यूज करेंगे इतना ज्यादा आपका कीबोर्ड में फास्ट चलेगा। अभी लूप बोलिए, अभी क्या होता है, बहुत सारा लूप मुझे कॉल करता है कि सर मैं जब उसको लूप को इसमें जो सॉन्ग लिस्ट में पेस्ट करता हूँ उसका बाद में कीबोर्ड में देता हूँ तो इसमें लाइट ही नहीं जलता है। बहुत सारा लोग मुझे ये भी बोलता है कि सर मैं जो इसमें है ना जो टोन जो होता है एसबीडी फाइल उसको मैंने यहाँ पर जाके रोलन का अंदर जाके बैकअप का अंदर गया, उसके बाद एक्सपीएस 10 सॉरी रोलन का अंदर जाके एक्सपीएस 10 का अंदर उसका अंदर बैकअप का अंदर भी पेस्ट कर दिया, लेकिन जब आप पेस्ट तो हो गया लेकिन जब आप कीबोर्ड में रिस्टोर में जाते तो ये जी मतलब ये खराब हो जाता है, ये नहीं होता है बहुत। तो आपको क्या चीज देखना चाहिए, जब भी आपका साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या जब आप उसको पेन ड्राइव को लगा रहे हैं टोन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तभी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक चीज देखना है, पेन ड्राइव को निकल लेना है और अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल पर लगा दीजिए और फिर से उसके अंदर ओटीजी का अंदर जाके पेन ड्राइव के अंदर जाके रोलर का बैकअप का अंदर जाके देखिए, तभी आपको दिखा देगा क्या ये 0 MB हो गया, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं आपको अगर कीबोर्ड को सेफ रखना है तो पहले चीज मतलब जितना ज्यादा कम होगा ये 2 GB होगा 4 GB होगा इतना फास्ट चलेगा। और दूसरा चीज, इसको रफ यूज मत कीजिए, जो अपना कीबोर्ड के लिए यूज कर रहे हैं ना उसको बिल्कुल रफ यूज मत कीजिए। मान लीजिए आज मैं कंप्यूटर से वीडियो डाल दिया दूसरा कंप्यूटर से, अरे भैया ये जो कंप्यूटर है ये अगर इसमें वायरस रहेगा तो ये वायरस हम कंप्यूटर मतलब इसमें आ जाएगा ना वायरस, तो इसको तो स्कैन कर सकेगा लेकिन आपका कीबोर्ड में अगर चला जाएगा तो कीबोर्ड को कैसे सेफ रखेगा, ठीक है ना बात। तो दोस्तों आपको शायद पता चल गया इस वीडियो में मैंने जो बोला, शायद पता चल गया इसमें आपको एक ही चीज मैंने क्लेम किया, आपको जो भी यूज करना है जितना कम होगा इतना कीजिए, कीबोर्ड फास्ट चलेगा। तो बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टाटा।